to Sunny Seam's International School of Astrology. Join in and learn free astrology. Namaskar. Mitro, aaj baat karenge Rahu dusre ghar mein. Dusre ghar mein Rahu ko Raja Guru ke matahat yani Guru ja Brahaspati ke hukum par chalne wala aisa kaha gaya hai. और उसकी किस्मत चलते हुए पालने की तरह होगी. आम तौर पर राहु दो के समय व्यक्ति की हालत मध्यम दर्जे की नहीं होती, या तो बहुत ऊंचा ऊपर जाता है और या बहुत नीचे. दूसरा घर हमारी वाणी का घर भी है, जहां बैठा हुआ राहु जातक की वाणी को थोड़ा सख्त बनाता है, क्रूर बनाता है. ऐसा जातक मंगल की तरह बोलने में सीधा व सख्त वाणी वाला होगा. जो बात उसके मन में आ जाएगी वही बात सीधी मुंह पे कह देगा, चाहे सामने वाले को किसी भी तरह का गुस्सा गिला लगे. ऐसा जातक अंडा, मीट, बीड़ी, सिगरेट आदि खाने पीने का शौकीन भी होता है. और कई बार ऐसा जातक गुटखा पान या हुक्का बीड़ी आदि का खाने पीने का शौकीन भी होता है. दूसरा घर बृहस्पति का पक्का घर भी माना जाता है. अगर राहु दूसरे घर में आ जाए तो बृहस्पति का पक्का घर होने की वजह से राहु इस घर में थोड़ी परेशानी पैदा करता है. पिता को, दादा को किसी न किसी तरह की सांस की प्रॉब्लम या सेहत संबंधी प्रॉब्लम जरूर देगा. ऐसे जातक की किस्मत पकौड़े की तरह होती है, कभी ऊपर कभी नीचे. राहु दूसरे घर वाले को गृहस्थी का सुख भी बढ़िया मिलता है. जैसा बृहस्पति होगा वैसा ही राहु का प्रभाव होगा. अगर राहु बृहस्पति के साथ हुआ तो राहु बृहस्पति के अधीन होगा. जैसा बृहस्पति का फल मिलेगा वैसा ही राहु का फल मिलेगा. यहाँ राहु होने पर व्यक्ति के लिए धन की वर्षा उस दिन होगी जब वर्षफल के अनुसार शनि खाना नंबर एक में हो और बृहस्पति भी शुभ बैठा हो. राहु दो के समय दौलत और धन की चोरी का थोड़ा डर रहता है. ऐसा शुभ असर को दूर करने के लिए अगर जातक अपने पास चांदी की ठोस गोली रखे तो उसको राहु दूसरे का बुरा फल नहीं मिलता. राहु दो वाला व्यक्ति हुक्मरान जरूर होता है, चाहे जंगल में ही क्यों ना रहे दूसरों पर हुक्म जरूर चलाएगा. वो राजा की तबीयत का मालिक होता है, उसका भाग्य झूले की तरह. झूले का मतलब कभी तो बिल्कुल ऊपर चला जाएगा, लगेगा बस जिंदगी सेट हो गई, सभी सुख मिल गए, और अगले ही पल झूला जैसे नीचे आ जाता है, बिल्कुल नीचे आ जाएगा. इसको लगेगा अब तो सारा किया कराया खत्म हो गया. राहु शुभ हालत में जहाँ बैठा हो तो शुक्र का फल 25 वर्ष की आयु तक शुभ रहता है. यदि यहाँ बैठे राहु पर शत्रु ग्रहों की दृष्टि हो या राहु राशि के कारण खराब हो रहा हो, जैसे राहु धनु व मीन राशि में होगा तो राहु की मियाद यानी 10.5 या 21
या 42 साल की उम्र तक राहु का असर शुभ नहीं रहेगा। यहाँ राहु होने पर व्यक्ति बेशक मुफ्त का माल सारी उम्र खाए, मगर आप दूसरों को दान देने से बचता ही रहेगा। व्यक्ति की 25 साल की उम्र तक केतु का फल, जो कि खाना नंबर 8 में होगा, शुभ ही रहेगा, मगर 26वें साल से दोनों अर्थात राहु का केतु का फल अशुभ होना शुरू हो जाएगा। ऐसे व्यक्ति को औलाद का सुख कम होता है। राहु 2 व केतु अष्टम में आ जाने के कारण या तो उसकी औलाद देर से होगी या होगी नहीं, अगर होगी तो उससे दूर रहेगी या उसका कहना नहीं मानेगी। राहु 2 वाला अगर अपने नाखून खाएगा शाम के वक्त, जब सूर्य ढल रहा हो, भजन कीर्तन करेगा या किसी तरह का पाठ वगैरह करेगा, तो उसको राहु का बुरा फल मिलेगा। राहु 2 वाला जातक हमेशा अपनी औलाद के लिए चिंतित बना रहता है। उसको अपनी औलाद की तरफ से डर बना रहता है, कहीं इसके चोट ना लग जाए, कहीं इसका बुरा ना हो जाए, कहीं इसका ये ना हो जाए, कहीं इसको कोई नुकसान ना कर दे। उसको सदा अपनी औलाद की चिंता रहती है और यह चिंता उसको उम्र के लास्ट तक बनी ही रहती है। राहु 2 वाले की एक और बात है, अगर इसको कुछ समझाओ तो हमेशा यही बोल देगा, आप मुझे ही समझाते रहते हो, दूसरों को कोई बात नहीं कहते। इसको जब भी कुछ समझाया जाएगा तो ये उस बात को समझेगा, मेरे पे हुक्म चला रहे हैं या मुझे ताना मीना दे रहे हैं। राहु 2 वाला जवान का थोड़ा कड़वा होने के कारण सीधी बातें बोल देता है और कई बारी गुस्से में इतने ऊंचे स्वर में बोलेगा कि पड़ोसी भी उसकी बात को सुनते होंगे। दूसरा घर बृहस्पति और शुक्र से प्रभावित है। राहु दोनों का शत्रु है। शिवजी महाराज की सवारी का बैल शुक्र और शिवजी महाराज बूढ़ा बाबा बृहस्पति और बैल शुक्र अंत शिवजी महाराज चंद्र की शक्ति भी दूसरे घर में विराजमान है। अब बात करते हैं कष्ट और कारण क्या है। अगर जातक दूसरे घर बृहस्पति और शुक्र में अर्थात शिवजी महाराज चंद्र भी दूसरे घर में उत्तम और बलवान हों, जिसके सामने राहु चुप साधकर धार्मिक बनने की कोशिश करता है, अंत जातक समझदार परंतु ना चाहते हुए भी उसके हाथ से कोई ना कोई हेराफेरी हो जाया करती है। अगर राहु का बृहस्पति के साथ दूसरे घर में बैठना हो, कहने का तात्पर्य यह है राहु बृहस्पति का दूसरे घर में संबंध बनना हो तो ऐसा जातक धार्मिक स्थान में भी बुरे कामों से परहेज नहीं करेगा। राहु पत्नी ससुराल शुक्र से संबंध और सोना आदि बृहस्पति से संबंध वस्तुओं को हानि पहुंचाने की ताक में रहता है। जर जोरू जमीन की हानि का खतरा लगा ही रहता है। अब इसका निवारण क्या है। चांदी की ठोस गोली सदैव अपने पास रखनी चाहिए ताकि राहु अपना मंदा असर ना दे सके, और गुटखा पान अंडा मीट शराब आदि से परहेज करना चाहिए ताकि राहु आपको बुरा प्रभाव ना दे सके। वह ससुराल के साथ संबंध मधुर बनाने चाहिए। तो मित्रों, ये था राहु दूसरे का फल। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।